لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक कफन चोर का वाकया। निशापुर के काजी हजरत अबू इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा, मैं आपको एक अजीब बात बताना चाहता हूँ। हजरत ने पूछा, वो क्या है? कहने लगा, मैं पहले कफन चोर था। एक दिन एक औरत का इंतकाल हुआ तो मैं इसके जनाजे में शरीक हो गया ताकि इसकी कब्र का पता लगा सकूं। जब रात हुई तो मैंने जाकर कब्र खोदी और कफन उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो बोल उठी, सुभान अल्लाह, जन्नती मर्द जन्नती औरत का कफन चुरा रहा है। फिर कहने लगी, क्या तू नहीं जानता कि तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है? बेशक अल्लाह ताला ने मेरी नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसे शुअबुल ईमान में रिवायत किया गया है, बाब फी सलाती आला मन मात मिन अहलिल क़िबला, और इसका रकम नंबर है 9261। अब ये वाकया इस शख्स की हिदायत का सबब बना कि जिस शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से ये बात बताई गई हो कि तू अहले जन्नत में से हो गया है, तेरी बख्शिश हो गई है, तो फिर वो रास्ता छोड़ देता है कि उसको पता है कि बुराई का रास्ता है, कि मेरे लिए तो अल्लाह ताला की तरफ से ये फैसला हो गया है। और जिसके लिए इस तरह के फैसले होते हैं उन लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे देता है। उसी तरह जिस तरह वो एक औरत जिसका तरीका चलन फहश में था, पर उसने रहम खाकर एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया और फिर उस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उस पर करम किया और वो जो फाहिशा थी उसकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां आईं कि वलिया बन गई। तो जिसके लिए जन्नत का फ़ैसला हो जाता है उसके लिए फिर राह परवरदिगार खुद हमवार करता है। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगते रहा करो कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैर المغضوب عليهم ولا الضالين। के पाक परवरदिगार हमें सीधी राह दिखा, और सीधी राह भी वो उनकी राह जिन पर इनाम हुआ, उनकी राह नहीं जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो गुमराह थे। और जब वो पाक परवरदिगार तुम्हें सीधी राह दिखा दे तो खड़े ना रहो, उस राह पर चलो, उस राह पर आगे बढ़ो और अपने परवरदिगार का क़ुर्ब हासिल करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।